लोगों से बात कर लेते हैं कि आखिर इनके जहन में मुद्दे क्या हैं। आपसे जानना चाहूंगा, पहली बार वोट करने जा रहे हो ना? हाँ जी, पहली बार। क्या सोच करके वोट करोगे? इश्यूज क्या हैं? क्योंकि यंग वोटर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स के जहन में इश्यूज क्या हैं? बेरोजगारी। अच्छा, और ये अग्निवीर वाला जो है उसके लिए भी। उसके लिए? हाँ जी। क्या लग रहा है कि आप जो है आपके जहन में वो मुद्दे हैं, लेकिन जब देश के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो किसका माहौल लग रहा है? हमको तो हिमाचल में तो कांग्रेस का लग रहा है, बाकी तो पता नहीं है। बीजेपी का ज्यादा बोलबाल लग रहा है, इसीलिए हम नरेंद्र मोदी को ही वोट देना चाहेंगे। फिल्म अभिनेत्री भी हैं कंगना रनौत, वो भी चुनाव मैदान में। दूसरी तरफ राजा साहब के बेटे विक्रमादित्य भी हैं। मुकाबला किस में लग रहा है? मुकाबला तो सर बीजेपी लग रहा है, फिर पता नहीं। हमको तो विक्रमादित्य का लग रहा है। वो पहली बार पॉलिटिक्स में आई है, मुश्किल है। वैसे तो विक्रमादित्य का भारी लग रहा है। यहाँ पर तो कांग्रेस का वोट लग रहा है। राजनीतिक ज्ञान क्या कहता है, किसका पलड़ा भारी है मंडी में? अगर बात करें सर, अगर मंडी में बात की जाए तो वैसे तो कंगना रनौत के भी काफी फैन है और विक्रमादित्य के भी काफी है। एक बात है, वो हिमाचल की बेटी है, जब वो आएगी तो कुछ ना कुछ करेगी। वो हिमाचल की बेटी, हिमाचल की बेटी आगे बढ़नी चाहिए। वोट करने जाएंगे तो किन चीजों को ध्यान में रखेंगे? तो राष्ट्रीय मुद्दे ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि पूरे हम तो चाहते हैं पूरे देश का विकास हो। देश में तो वैसे मोदी सेंटर में, तो हम चाहते हैं मोदी ना सेंटर में, वो क्योंकि मोदी ने काफी फैसिलिटी दी है औरतों को, है ना। एक बात है, गरीब जनता को देखो, राशन फ्री में दे रही है, रोजगार भी काफी दे रही है, सब कुछ दे रही है। ऐसा कुछ नहीं है अभी, अब गरीब अपनी वजह से कोई शराब में गवा देते हैं, कोई कैसे गवा देते हैं। देश में प्रधानमंत्री कौन? वो मोदी तो आना ही चाहिए, वो तो 20 साल तक आना चाहिए भी, अगले 20 साल तक तो आना ही चाहिए। आज कोई मुकाबला नहीं है कंगना रनौत का, ये जो मर्जी कर ले। आज मोदी के नाम से वोट मिलेगा और इसका अपने नाम से भी, क्योंकि इसकी जो छवि है वो एक होनहार चुस्त लड़की की है। अच्छा। जिसने अपने बलबूते पर मुकाम हासिल किया फिल्मी दुनिया में, तो इसलिए मंडी को गर्व है। रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि कांग्रेस की जो 60-65 साल जब शासन किया है देश में, उस दौरान हिंदुओं की आबादी कम हो गई। हिंदुओं के खिलाफ ही काम करते थे, सारा जो भी नीतियाँ बनाते थे उसके हिंदुओं को नुकसान होता था। मेरा कहना तो है नहीं। अच्छा, क्या है? बीजेपी राज में तो मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। अच्छा, आप देखते होंगे कितनी भारी पॉपुलेशन होगी मुसलमानों की यहाँ। फिर अभी चुनाव में ये मुद्दा बनेगा क्या? आपको लगता है कि जिस तरह से रिपोर्ट आई है हिंदुओं की आबादी कम हो गई, मुसलमानों की जो है बढ़ी है, गलत है? चुनावी मुद्दा बनेगा, अगर बनता है तो किसको फायदा मिलेगा? ये तो कांग्रेस को मिलेगा। अच्छा, कांग्रेस को मिलेगा, क्यों? आप पर भी जानती है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, हिंदुओं को कहाँ घट रही है? किसका माहौल है? माहौल तो मोदी का ही है, बीजेपी का है। बीजेपी का कोई पूजा हो रही है, ये क्या हो रहा है? देवता है हमारा जो देवता की सवारी निकल रही है। देखिए, ये मंडी में देवता की सवारी निकल रही है, ये भी यहाँ की एक तस्वीर है, क्योंकि हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है। जो भी जो देखता है रुक जाता है, नमन करता है और उसके बाद में आगे बढ़ता है। एक रिपोर्ट आई है अभी जिसमें कहा गया है कि जब कांग्रेस का शासन था तो हिंदुओं की आबादी कम हो गई थी, मुसलमानों की बढ़ गई। आपको लगता है? तो है, वो तो दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहा है, अरे यहाँ भी मंडी में बहुत ज्यादा मुसलमान हो गए। अच्छा, पहले बहुत कम थे, अब ज्यादा हो गए। नहीं तो वो कांग्रेस की सरकार में हुआ है या फिर बीजेपी की सरकार आई है उसके बाद भी हुआ है? बीजेपी तो अभी आई, बीजेपी पहले तो कांग्रेस की। चुनाव में वोट करते हैं? क्या लग रहा है, यहाँ तो कंगना रनौत जो है चुनाव मैदान में उतरी हुई है, क्या लग रहा है, किसका पड़ रहा है, किसका भारी? वो तो बाद में ही पता लगेगा, अभी तो क्या पता है ना। वैसे लगता तो है, वैसे वो भी ठीक उम्मीदवार है, वैसे अच्छी उम्मीदवार है वो भी ना। उम्मीदवार है बीजेपी की, तो महिलाएं कंगना के नाम पर देंगी या मोदी जी के नाम पे? दोनों के नाम पे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।